Hello student, welcome to BDS के online classes. I study class 12 matrix. आज हम matrix में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे A inverse के elementary methods है, A inverse की काफी साधारण methods है. आज हम इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे. आज हम इस matrix method से सॉल्व करना सीखेंगे equations को. आज हमारे पास three equations दिए गए हैं. पहला है x minus y plus z is equal to 4, 2x plus y minus 3z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 2. आइए इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इन उधर करके लिखते हैं v nu dash. एक फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ax is equal to b, where a is equal to मैट्रिक्स है जो कि कोफिशिएंट ऑफ x y z से बनी है. तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1. नाउ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 -3 एंड 1 1 1. ये हो गया x जो है वो वेरिएबल से बनी मैट्रिक्स है, x y z एंड b जो है अदर साइड यानी कांस्टेंट से बनी मैट्रिक्स है. नाउ सॉल्विंग, पहले a इनवर्स हम सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए पहले हम ये लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 एंड 1 1 1. आइए इससे हम लोग सबसे पहले मॉड a यानी डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं. तो एक फंक्शन इसका तो ये होगा 1 1 -3 1. नाउ माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, ठीक है. फिर ये होगा 2 1 और -3 1. फिर अगला है 1 और 1 के लिए होगा 2 1 2 1 1 एंड 1. सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 1 माइनस प्लस 3 प्लस 1 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 1 2 1 2 1 1. ये हो गया 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 1. ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस 1 यानी आ गया 10. मॉड ए की वैल्यू 10 आ गई, यानी मॉड ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. Find A inverse. तो आइए इसके पहले को फैक्टर निकालें. फर्स्ट हमारा A 1 1 है जो कि हमारी वैल्यू है 1 1 -3 1. सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 और प्लस 3 यानी 4. फिर अगला है A 1 2 यानी 2 1 एंड -3 1. 2 1 2 और प्लस 3 ऑलरेडी माइनस बाहर होगा, 3 2 -5. फिर नेक्स्ट है a 1 3 तो होगा 2 1 एंड 1 1. सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 -5 यानी 1. इस प्रकार से हम लोगों ने को फैक्टर निकाला अभी a 1 1 का. अब अगला होगा a 2 1 से शुरू करेंगे. तो 2 1 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे -1 1 1 1 -1 1 1 1. तो ये हो जाएगा -1 1 -1 -1 1 यानी आ गया 2. फिर नेक्स्ट a 2 2 जो कि पॉजिटिव फॉर्म में होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 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
तो हमारे पास सेकंड रो थर्ड का सेकंड रो थर्ड का 1 1 -1 1 1 -1 1 सॉल्व करेंगे तो -1 और फिर -1 सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 फिर a 1
third row, first column, 1 minus 1, 1 minus 1, 1, fifth 1 minus 3. So on second, 3 1 3, minus 1, can you add 2? 3 into 2, third row, second column, third row, second column, 1 2 1 3, 1 2 1 minus 3, we have a minus 3 and 2, then plus 5. 8 3 3, third row, third column, third row, third column, 1 2 1 2 minus 1 1 minus 1 1. Solve for it. So 1 1 1 or 2 1 2, then 3. सॉल्व किया तो हमारे पास सी नाम का फैक्टर आया, वो फैक्टर यानी इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 1, फिर है 2 0 माइनस 2 एंड 2 5 3. सॉल्व करेंगे तो सी डैश C dash R at point A, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 minus 5 1 एंड 2 0 minus 2 एंड 2 5 3, 2 5 3. सॉल्व करेंगे, A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 upon mod A into at 5 into A. मॉड ए की वैल्यू आई है 10, ये रख, फिर हम लोगों ने एट फाइव ए की वैल्यू रखनी है 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3. नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमने लिखा है ए एस इज इक्वल टू बी. Now, x is equal to A inverse into B. So, x की वैल्यू हमारे पास है y, z है एंड A inverse की वैल्यू 1 upon 10 है और A 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 एंड B की वैल्यू 4 0 2 4 0. चलिए मल्टीप्लाई करें तो x y z 1 upon 10. सॉल्व करेंगे 4 4 16 प्लस 0 प्लस 2 2 4 4. नेक्स्ट है 4 5 20 प्लस 0 प्लस 10. नेक्स्ट है 4 1 4 प्लस 0 2 3 6. सॉल्व करेंगे x y then now 16 plus 4 20 upon 10, minus 20 में second में minus 10 upon 10 और third है 10 upon 10. solve करेंगे तो x y z equal to 10 2 20, 10 1 10 minus 1 और 10 1 10 1, यानी कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1 और z इक्वल टू 1. इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स बनाते हैं, उससे ax इक्वल टू b के बाद में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं ए से ए इनवर्स फाइंड करते हैं, फिर ए इनवर्स फाइंड होने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालते हैं और उसी के साथ हमें x y z वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.